आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अज़्ज़ा सामईन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुहम्मद व आले मुहम्मद के सदके आप सब की तमाम मुश्किलात को हल कर दे और हम सब पर अपना करम ख़ास फरमा दें, आमीन। मैं YouTube चैनल जैन अली रज़ा में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। मेरा आज का जो किस्सा है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान के मुतालिक है। एक शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा, या अली, आपकी शान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहदीस फरमाई हैं और कुरान मजीद में भी बहुत सारी आयात में आपकी शान और तारीफ मौजूद है, मगर मैं आज आपकी ज़बान से आपकी शान वाली वो आयत सुनना चाहता हूँ जो आपको बहुत पसंद हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो ऐ शख्स, मर्द को ये जेब नहीं देता कि वो अपनी तारीफ खुद करे, मगर तुमने सवाल किया है तो सुनो। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की सूरह अल रअद की आखिरी आयात तलावत फरमाई, जिसका तर्जमा ये है, ऐ रसूल, अगर ये काफिर आपको नबी नहीं मानते तो आप परेशान मत हों, आप तो अल्लाह के नबी हैं, इसका गवाह अल्लाह है और वो शख्स है जिसके पास कुल किताब का इल्म है। इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने सीने पर हाथ मारा और फरमाया, वो जिसके पास कुल किताब का इल्म है वो मैं अली हूँ। मुझ अली फख्र है इस बात का कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की गवाही में अल्लाह ने मुझ अली को अपने साथ रखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे दिलचस्प वाकियात को सुनने के लिए मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।